तो गाइज मुझे लगता है कि मैंने जो पैक लगाया था वो हल्का हल्का सा अभी भी है बालों में, उसके हल्के हल्के से पार्टिकल्स हैं। आपको थोड़े से ड्राई ड्राई से बाल लग रहे होंगे, लेकिन इट्स ओके। मैं अभी हेल्थ ऊपर नीचे चली हुई है, तो उसकी वजह से मैं अपना हेयर अच्छे से वॉश नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों को भी अच्छे से लगा के नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं किस पोजिशन में हूँ अभी। तो खैर, आज का जो हमारा पैक है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से निकालेंगे ना, वो डेफिनेटली निकल जाएगा। मैंने कल लगाया था, कल हेयर वॉश किया था, आज वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये आपके बालों में और क्या क्या बेनिफिट देके जाएगा। तो आज का जो पैक है, एक तो वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखता है अपने आप में, बहुत अच्छा क्लींजर बन सकता है, आपकी स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। ग्रोथ रुक चुकी है तो ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। अभी अगर आपकी स्कैल्प से हीट सी निकलती है, जैसे तासीर बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, हीट सी निकलती है, पसीना सा निकलता है, ग्रीजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपको दो मुँह बाल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आज का DIY जो है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। इसको बनाने के लिए आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। शायद बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे प्रेगनेंसी टाइम पे मैं इतनी अच्छी सी केयर नहीं कर पा रही हूँ बालों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट यूज कर लिए जाएं, जिन्हें अगर हम एक ही बार लगाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें 20-25 दिन तक ऐसे बालों में मिलता रहे। तो बहुत अच्छा क्लींजर है फुलर अर्थ अपने आप में। पहले टाइम पे आप सबको पता है कि हमारी जो दादी नानी थी, मुल्तानी मिट्टी को ही शैम्पू की तरह यूज करते थे, ना कोई शैम्पू था ना कोई कंडीशनर था। ये बहुत अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती है, ऑयल को हटाती है, दो मुँह बालों को हटा देगी, आपकी ग्रोथ कर देगी बालों की, और शायद अगर आप इसको कंटिन्यूटी में यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों को ब्लैक भी बना सकती है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर लिया है। अगर आपके पास टिकिया है तो आप उसको भिगो के रख सकते हैं, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से लीजिएगा मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद आपको लेना है सिकाकाई पाउडर, सिर्फ थोड़ी सी ही क्वांटिटी में लेना है आपको। 1 चम्मच के करीब सिकाकाई पाउडर लेंगे। सिकाकाई पाउडर के अंदर भी अगेन शैम्पू वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करता है। जिन लड़कियों के यहाँ पे पोल्यूशन बहुत होता है, गर्मियों में आपको स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, पसीना बहुत आता है, स्मेल आपके स्कैल्प से आना शुरू हो जाती है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए सिकाकाई पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। उसके बाद आपको लेना है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर कैसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें जैसे मुल्तानी मिट्टी लिया, तो मुल्तानी मिट्टी किसी किसी को थोड़ी सी ड्राइनेस दे देती है, तो ड्राइनेस ना आए इसीलिए हम यहाँ पे मेथी पाउडर का यूज कर रहे हैं। मेथी पाउडर नहीं है तो आप मेथी दाना घर पे पीस के उसको पाउडर बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अपने बालों में दिखाया ना आपको, तो वो मेथी ही चिपकी हुई थी, क्योंकि मैं उसको अच्छे से निकाल नहीं पाई थी। तो मेथी हम यहाँ पे कम यूज करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। 1 ही चम्मच के करीब आपको इसके अंदर मेथी डाल देना है, और मेथी डालने के बाद आपका जो पैक है वो पानी के साथ बनेगा। थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालते जाना है और इसे घोलते जाना है। आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही पाउडर आपने लिया है और पैक आपका बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो मेथी हमने इसके अंदर डाली है ना, तो मेथी एकदम से फूल जाती है। अगर आप इसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे ना, तो आप इसमें कितना भी पानी डाल लेंगे और गाढ़ा होता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इसको सिर्फ बनाएं, जल्दी से बनाएं, 5 मिनट के लिए रखें। अगर आपको दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसको दही के साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिल्क के साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको गुलाब जल के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप इसको दही के साथ जरूर यूज करें, या फिर आपको डैंड्रफ बहुत है तो भी आप दही के साथ इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट बालों में नहीं आएगा, सिर्फ बेनिफिट आएंगे। उसके बाद जैसे कि मैं आज नीचे बैठ के लगा रही हूँ, चेयर पे या फिर स्टूल के ऊपर मेरे से बैठा नहीं जाता है, तो नीचे बैठ के मैं कंफर्ट हूँ। तो ये जो पैक है आपको लेना है और अपने बालों में इसे लगा लेना है। अच्छा, पैक लगाते लगाते आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूँगी। जब आप ये पैक लगाएंगे तो आपके बालों में हल्की सी ड्राइनेस आ सकती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से हल्का सा दरदरापन या ड्राइनेस आ जाएगी। तो आपको ये जो पैक है बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने बालों पे लगा लेना है। जड़ों में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेंथ इतनी है मेरे बालों की कि मुझे पूरे बालों पे तो शायद मेरे से लगाया नहीं जाएगा,
और स्कैल्प पे जरूर लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ठंडक देता है स्कैल्प पे, और स्कैल्प से ही बालों की ग्रोथ होती है। अगर आपको और अच्छी शाइन चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली लेंथ पे भी इसको जरूर लगाइएगा। तो पूरी स्कैल्प पे आपको इसे लगा लेना है, और जैसे मैंने बताया कि ये हल्की सी ड्राइनेस देगा, आप इस पैक को लगा के रखिए कम से कम आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, आप सिर्फ सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर देंगे। सिंपल पानी के साथ वॉश किया, हल्के से बालों को सुखा लिया, और उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है ताकि जो हल्की सी ड्राइनेस आएगी वो बालों में ना आए। जैसे पैक लगाया, आधा घंटा रखा, पानी के साथ वॉश कर दिया, शैम्पू नहीं लगाना है, कंडीशनर नहीं लगाना है, बाल सूख गए, उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है, और फिर नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये 2 दिन की रहेगी। पहले वाले दिन आपने पैक लगा के ऑयलिंग कर ली, और उसके नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू करेंगे ना, आपके बालों में इतनी शाइन आपको दिखेगी और जो ड्राइनेस है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो बहुत अमेजिंग पैक है, आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन कर देगा, और आपको लगभग 1 वीक तक अपने हेयर को वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी गंद इकट्ठा हो चुका है बालों में या फिर स्कैल्प पे वो सब निकाल देगा। तो इसे जरूर ट्राई करना है, आप इसको वीक में एक ही बार ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा एक ही बार के यूज से, और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक जो भी होगा आपका वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बसरा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।